उनको आप 2,000 पाउंड भेज दो या 1,000 पाउंड भेज दो, ऐसे भेज दो। आपको कि नहीं मैं तो स्टूडेंट हूँ मैं नहीं भेज सकता, ये गलत। फ्रॉड है और आपके ऊपर 2,500 यूरो का फाइन लगा हुआ है। अच्छा, अगर आपने फाइन नहीं दिया या अगर आपने मेरी कॉल काटी तो हम सीधे आपके यहाँ पुलिस भेजेंगे। और तो हेलो दोस्तों, देखो आज हमारे साथ कौन है, नाम बताओ। हाय आकाश। हाय माय नेम इज यादविंद। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जेटर के स्टूडेंट्स हैं, और जो भी मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी जो दीदियों के साथ बनाई थी, कौन सी दीदी, वैशाली दीदी, नंदिनी नंदिनी दीदी और विभूति दीदी, है ना। तो उन तीनों के साथ मैंने जो वीडियो बनाई थी तो उन्हीं के पीयर ग्रुप में है ये सितंबर इनटेक में आया है और वो जनवरी इनटेक के हैं, मतलब 7-8 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट है। तो ये कुछ बताएंगे, यहाँ पे ना फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं स्टूडेंट्स के साथ बहुत, है ना। फ्रॉड्स यार, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं ना उनके लिए ये सब कुछ, इंडियन स्टूडेंट्स को लेके थोड़ा उनका ज्यादा पर्सपेक्टिव रहता है या फिर इंटरनेशनल। तो मेरे साथ एक स्कैम हुआ था, एक भाई के साथ स्कैम हुआ था और एक और भैया उनके साथ भी स्कैम हुआ था। तो ये अभी 3 दिन पुरानी बात है, लाइक मैंने मेल भी ट्राई करने की यूट्यूबर्स जो इंडिया के हैं, मैंने उनसे ट्राई किया था, तो फिर मेरे से ये भाई मिले, हमने इनसे डिस्कस किया। इन शॉर्ट ये था कि हमें एक फेसबुक पे, मुझे पर्सनली मुझे एक फेसबुक पे एक मैसेज आता है कि हाय लाइक फॉर दैट, उससे पहले मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अच्छा। जो एक जेन्युइन प्रोफाइल है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अच्छा, आपने पूरी चेक करी थी मतलब। हाँ, ये चीज ये कीप इन माइंड कि वो बिल्कुल जेन्युइन प्रोफाइल होगी। अच्छा। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये जेन्युइन नहीं है, वो हर एक पोस्ट डालते हैं अपने रेगुलर बेसिस पे और वो बिल्कुल जेन्युइन, ताकि लगे बिल्कुल ओरिजिनल है, ट्रस्ट कर ले जल्दी। हाँ बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन प्रोफाइल थी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मुझे ऐसा लगा था जैसे हम लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस जैसे रिगार्डिंग की यूनिवर्सिटी की फीस क्या है, कैसा माहौल है, क्या प्लेसमेंट्स का सिनेरियो ये, इसी चक्कर में उन्होंने आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे। हाँ, स्टार्टिंग ऐसे हुई कि उनका मैसेज आया, मुझे इनिशिएट किया उन्होंने, उन्होंने अपने आपको इंट्रोड्यूस किया कि मैं ऐसे ऐसे आपकी यूनिवर्सिटी में प्लान कर रहे हैं, ये है वो है। अच्छा, कीप इन माइंड कि वो एक लड़की वो आई थी, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी कि कोई लड़कियां ऐसे कर, लड़की की ये स्पेसिफिक ये ऐसा है कि, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज याद रखना, प्रोफाइल जेन्युइन थी और ये जो प्रोफाइल का जो मैसेज आया था ये आया था फिलीपींस से, फिलीपीन कंट्री से आता है और ये उस साइड से आता है, और एक दो कंट्रीज तुम वियतनाम से आ सकता है, फिलीपीन से आ सकता है, वो लोग सीधे मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, ताकि यू नो वो स्पेशली एशियंस को टारगेट करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, हाँ नहीं हमारे इंडिया में क्या होता है ना, हम लोग मासूम होते हैं और बहुत ना कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो हमें मैसेज करते हैं, ठीक है, वो हमारा ट्रस्ट गेन करते हैं, हम लोग उनसे नॉर्मली बात करने लगते हैं, अपना डे टू डे लाइफ शेयर करने लगते हैं, और उसके बाद यहाँ पे उनका रोल आता है, वो एक वीडियो कॉल स्टार्ट करते हैं हमारे साथ, वो हमें इंसिस्ट करते हैं कि प्लीज हमें आपके साथ वीडियो कॉल करनी है, हमें आपसे बात करनी है, आई वांट टू नो यू जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। मतलब देखो दो तरीके के स्कैम करते हैं हम फेसबुक पे, मैं आपको इन शॉर्ट वर्ड बताऊंगा। वो कैसे करते हैं, फर्स्ट उनका कैसे होता है कि मुझे उन्होंने पर्सनली ऐसे किया था, मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, उन्होंने पूछा कोर्स कैसा है, आप क्या कर रहे हो, और ये ऑलमोस्ट 3 in the midnight, ठीक है, 3 AM in the morning, आपको 3 बजे मुझे मैसेज आ रही है। मैंने नॉर्मल कन्वर्सेशन किया, उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा, मैंने मना कर दिया कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहा हूँ। तो यही मेरा बेनिफिट रहा कि मैंने उसे अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर करी। अब सेकंड चीज क्या है कि इन बिटवीन जितनी देर में आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है और जितनी देर में उन्होंने कन्वर्सेशन की है, वो इन बिटवीन आपकी सारी प्रोफाइल ओपन करेंगे, आपके फ्रेंड्स, हाँ पूरा आपके फ्रेंड्स कौन, आपकी फैमिली कौन है, आप कौन कौन सी पिक्चर्स लाइक करी हुई है, आपने जो अपलोड करी है लोगों ने करी है, उसके बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसी के साथ साथ, वो चलता रहता है, वो चीज चल रही है। ऑन द अदर हैंड वो क्या करेंगे, बैक एंड पे वो क्या करते हैं, वो आपको मैसेज करके आपसे करेंगे, उसके बाद वो इंसिस्ट करेंगे, या तो वो करेंगे ट्राई करेंगे आपको कॉल करने की, वो करेंगे वैसे आप... एक चीज समझनी है उसका, क्या करते हैं कि मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह को देखते हैं, वो क्या करते हैं वो एक्चुअली वो ये है कि वो आपकी पूरी कॉल डिटेल मतलब आपकी सारी फ्रेंड लिस्ट निकाल रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि उनका काम ये होता है कि उनको हमारे कुछ ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं कि मान लीजिए कि मेरा मतलब पर्सनली मान लीजिए मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, ब्लैकमेल टाइप वो करें, हाँ, देन वो क्या करेंगे, वो हमारे साथ सीधे वीडियो कॉल स्टार्ट करेंगे और वल्गर टॉक्स करेंगे, या फिर वो थोड़े से ऐसी चीजें करेंगे जो तुम्हें अजीब, हमें मतलब बोलने में भी थोड़ा सा वो हेजिटेट हो रहे हैं हम, ठीक है ना, वो अपने क्लोथ रिमूव करने की ट्राई करके वो करेंगे। तो उनका मेरे को मैसेज आया, वहां से हमारी बात हुई, मेरे मैसेज होने के बाद उनसे उसने मुझे कॉल करने की कोशिश करी, मैंने उसे पहले डिक्लाइन किया, उसने दोबारा कॉल किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं रिसीव करते हैं, मैंने उनकी कॉल रिसीव करी, आप मानोगे हार्डली 3 से 4 सेकंड सिर्फ मैंने उसको करा है, और उस 3 से 4 सेकंड में क्या हुआ, उसने 3 या 4 सेकंड बाद मतलब 2 से 3 सेकंड में उसने अपने क्लॉथ्स रिमूव करना, कुछ ऐसा ऐसी चीजें करनी स्टार्ट करी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इनअप्रोप्रिएट लगी, मैंने साथ साथ कॉल को डिस्कनेक्ट किया।
आप देख रहे हो वो 4 से 3 या 2 सेकंड उन्होंने क्या करा है, उस वीडियो को लिया है, मेरी कैप्चर किया है, उसने मेरी फ्रेंड की वीडियो कैप्चर किया है, सबको जोड़ दिया है, और वो जो लड़की जो मेरे सामने खड़ी है वो सेम लड़की है जो जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, कुछ भी चीज फेक नहीं थी, बट अभी उनको स्कैम करने का मौका मिल गया। आप क्या, हम क्या इंडियन से, हमें डर लगता है अब वो आपको ब्लैकमेल करेंगे कि मेरे को पैसे दो। यस, उन्हें पता है आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपने इंस्टा पे या फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि आई एम इन हियर, आई एम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर, वो वहीं से चीजें ट्रेस करते हैं, कीप इन माइंड, वो वहीं से उठाते हैं कि आपने लोकेशन डाली है, वो लोग ये चेक करते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि प्रोफाइल्स में आप स्टूडेंट्स हो क्या हो ये वो, और उनके पास आपके सारे फ्रेंड डिटेल्स हैं, वो आपको ब्लैकमेल करेंगे कि हम आपकी वीडियो तो आपके पेरेंट्स को, आपके भैया को, भाभी को, एक्सेट्रा, हम सबको भेज देंगे। और हम इंडियंस इतने कंजर्वेटिव होते हैं कि हम नहीं चाहते कि ये सब चीजें हमारी फैमिली तक पहुंचे, तो इसी बात का फायदा उठा के वो हमें ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं। और फिर वो लोग स्टार्ट करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि आप हमें कितना पैसा दे सकते हैं, वो स्टार्ट करेंगे कि आपको हमें सेंड करना है 2500 pounds, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट हमारे पास नहीं होते, और हम क्यों ही सेंड करें। मैं आपको बताता हूँ कि मतलब वो ऐसे स्टार्ट होते हैं, आप वो पहले बोलेंगे आपको आप 2000 pounds भेज दो या 1000 pounds भेज दो, ऐसे भेज दो, आप कहोगे नहीं मैं तो स्टूडेंट हूँ मैं नहीं भेज सकता, ये कर दो प्लीज, ये है वो है फलाना ढमकाना, ऐसे करेंगे। उसके बाद आप कहोगे नहीं, आप उनके साथ नेगोशिएट करोगे, क्यों करना है, नेगोशिएट करना ही नहीं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है चलो मना कर दो भाई, मना करो कि हमें ब्लॉक मार दो, अब ये चीज है देखो, अगर आपको इस कांड से बचना है ना, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, पहली चीज फटाफट उस बंदे को ब्लॉक करो फटाफट, और सबसे पहले अपनी आईडी को डीएक्टिवेट करो, ताकि डीएक्टिवेट भी करने की जरूरत नहीं, क्या पता कुछ उनका बहुत टाइम से मेहनत करी हो उन्होंने आईडी पे, उनके पास टूल्स हैं ऐसे जो आप डीएक्टिवेट कर दो, उन्हें जो आपकी आईडी से लेना है वो पहले ही ले चुके हैं, टेंपरेरी डिसेबल कर दो, नहीं तो बाद में ऑन कर लेना। और नहीं तो पुनीत भैया ने भी एक चीज और बताई कि वो कह रहे हैं कि साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन साइट्स होती हैं तो वो भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी, उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो ऐसे करके, तो ये साइबर क्राइम यू नो यार, ये चीज अच्छी है, मैं ये चीज मानता हूँ, बट पता क्या कि उसी ऑन दी स्पॉट आप घबरा जाओगे, ठीक है ना, और जितना आप घबराओगे इतना आप लेट करोगे, कुछ उतना टाइम है आपकी फ्रेंड के साथ, चिल रहना है, बस चिल, आराम से रहना है, बिल्कुल है। अगर आपके साथ एक कांड हो चुका है तो अपनी सबसे पहले फैमिली को इन्फॉर्म कर दो यार, प्लीज प्लीज ऐसा मत सोचना, क्योंकि वो पैसे आपसे पहले 200 pounds मांगेंगे, आप नेगोशिएट करोगे 200 मांगोगे, वो कहेंगे कि नहीं हमें 1000 दो, आप 400 भेजोगे, उनको पता चलेगा आप पैसे दे सकते हो, फिर वो दोबारा, उनको पता है आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप घर से ये नहीं 100 pounds लेके आए, उनको पता है आप 1-1000 मतलब 1-1 lakh rupees 2-2 lakh rupees लेके आए हो, तुम्हारे पास कैपेबल हो, तुम यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस भर के आ रहे हो यार, उनको सब पता है कि तुमसे एक्सपेक्टेड है उनसे, क्यों तुमसे बहुत सारी चीजें। और एक चीज और, आप भी पासपोर्ट का कुछ बता रहे थे, पासपोर्ट का भी कुछ यहाँ पे स्कैम करते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, एक्चुअली आई वाज लिविंग, मैं पोलैंड में रह रहा था, मैंने 3 साल पोलैंड में काम किया है, तो क्या हुआ था कि जब मैं 2017 में पोलैंड मूव हुआ था, तो मेरे फ्रेंड के पास एक कॉल आया कि आपने जब इमिग्रेशन पे अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करे हैं तो उसमें आपने कुछ ऐसी अपनी आइडेंटिटी है जो आपने वहां पे नहीं दी है, आपने हमें झूठ बोला है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, हम इमिग्रेशन पे ऐसा जैसा कोई फॉर्म नहीं भरते हैं जिसमें हम अपनी कुछ ऐसी डिटेल्स दे रहे हैं जिसकी वजह से इमिग्रेशन वाले हमें बाद में कॉल करें। तो उसके साथ हुआ ये था कि उसके पास कॉल आया, उसको बोला गया कि आपने हमें अपनी गलत आइडेंटिटी दी है, और इसकी वजह से आपने चाहे इंटेंशनली किया है या अनइंटेंशनली किया है हमें नहीं पता है, लेकिन ये एक फ्रॉड है और आपके ऊपर 2500 यूरोस का फाइन लगा हुआ है। अगर आपने फाइन नहीं दिया या अगर आपने मेरी कॉल काटी तो हम सीधे आपके यहाँ पुलिस भेजेंगे और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बंदा घबरा जाता है और उसको ये भी बोलते हैं कि अगर आपको यकीन नहीं है आप हमारी ये इंडियन एम्बेसी की साइट खोलिए, उस पर एक नंबर होगा, आप नंबर चेक कर लीजिए और हम उसी नंबर से कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका एक पूरा स्कैम है, उनको पता है कि नंबर सेम है, बंदा चेक करेगा नंबर, जब वो नंबर चेक करेगा तो उसे जब नंबर सेम दिखेगा तो वो और घबराएगा और वो उनके जाल में फंस जाएगा। अब कोई बंदा बाहर से आया है, उसको आए हुए 3 या 4 दिन हुए, उसके पास एक कॉल आ रहा है और उसको बोला जा रहा है कि हम आपको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो एक नए कंट्री में है यार, वो किसी को नहीं जानता, मान जाएगा उसकी बात, वो मान जाएगा, एग्जैक्टली वो मान जाएगा और वो इतना घबरा जाएगा कि उनको पैसे दे देगा। यही मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, वो लकीली ऐसा हुआ कि हमारे पास एक लीगल बंदा था पोलैंड में जिसके साथ हम ये सब चीजें डिस्कस कर सकते थे। तो जैसे ही मुझे ये वाली बात पता लगी, मैंने तुरंत उस बंदे को कॉल किया, ही वॉज अ लॉयर, तो उसने हमें हेल्प करी और हमें तब पता लगा कि एक्चुअली एम्बेसी वाले आपको कॉल करते ही नहीं है, वो डायरेक्टली आपको या तो ईमेल करेंगे, वो तो किसी को भी कॉल करते हैं, वीजा के लिए कॉल कुछ नहीं आता, बस कंफर्मेशन के लिए आता है, या आपको लेटर भेजेंगे। हां, मैं आपको एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, कभी भी ना यहाँ पे घबराना मत, पता है वो लोग क्या करते हैं, वो कॉल करेंगे तुम्हें,
तो मैं जब अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करने गया था ना, उन्होंने इन शॉर्ट बोला था कि आपको कभी अपना बीआरपी कार्ड यहाँ पर लेकर नहीं घूमना, क्योंकि आपका पहली बात वीजा है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर पुलिस अगर आपको पकड़ लेती है ना तो आपसे वो ये नहीं कहेगी कि आप मेरे को बीआरपी कार्ड दिखाओ, तो बीआरपी कार्ड लेके जरूरत नहीं है। तो वहीं से क्लियर है कि यहाँ की पुलिस ऐसे नहीं है कि आपको अपने ऐसे प्रूफ लेके चलने, आप इंडिया का आधार कार्ड भी लेके मूव कर सकते हो, यूनिवर्सिटी का कार्ड भी लेके, जॉब्स वगैरह के लिए जाना हो तो अपना चले जाओ, थोड़ी देर के लिए ले जाओ बीआरपी कार्ड वगैरह, नहीं जरूरत है वहाँ पे मुझे जॉब्स में मांगते हैं इनिशियल आपको स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंडक्शन वगैरह के लिए मांगते हैं। ठीक है, अच्छा जब उनका कॉल आता है ना, एक चीज याद रखना यार, वो तुम्हें बोलेंगे कि वो पूरा उनका प्लान ऐसे रहता है कि वो तुम्हें कॉल करके, तुम्हारा नाम पता है, उनका फोन नंबर पता है, वो तुम्हें कहेंगे कि हमारी वेबसाइट पे जाओ जो गवर्नमेंट की है, उस पे नंबर डिटेल्स निकलवाएंगे, उसमें बोलेंगे कि हम सेम नंबर से कॉल कर रहे हैं, नंबर चेंज भी हो जाता है, नहीं यही बात है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा तब आएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि नंबर हमेशा सेम सेम, नहीं वो नंबर चेंज करके कॉल पे बात करते होंगे ना, वो नंबर फेक बना लेते हैं, हां उनका उनका नंबर हमेशा फेक होता है, ये बात सही कह रहे हो, बट वो नंबर सेम नंबर से कॉल आती है जो वीजा ऑफिस का नंबर है। अच्छा। ठीक है, और वो तुम्हें बोलेंगे कि आपने वो कर दिया, हम आपके वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अच्छा अब सीन क्या है यार, वो ना तुम्हारे होल्ड पे डालेंगे और वो बोलेंगे कि हम थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं और आपको अपने कोई भी डिटेल्स शेयर करनी जरूरत नहीं है, बट आप अपना बीआरपी और वीजा जो पासपोर्ट पासपोर्ट है वो बाहर निकाल के रखना, हम आपसे वो डिटेल्स हम आपसे लेंगे। ठीक है, और वो ना तुमसे 15-15 मिनट के होल्ड पे जाएंगे और वो तुम्हारी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करवाएंगे कि हम इंडिया में कर रहे हैं, वो ऐसा प्ले करते हैं ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं होता यार। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, मतलब हमने मतलब उसके अंदर उसने उन्होंने फिर क्या करते हैं वो लोग, तुम्हारे को कहेंगे कि ना हमारे को तुम्हें अभी पे करना है £250 अगर यहाँ पे अगर यूके में स्कैम होता है वो, £250 प्लस 100 तुम्हारे पास ऑफिसर असाइन करने का, और वो तुम्हें बोलेंगे हम तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, हम तुम्हारे फोन को ट्रेस कर रहे हैं, तो तुम कहीं भी मूव करोगे हमें पता चल जाएगा, तो तुम वहीं घबरा जाओगे यार। तो वो बोलेंगे ना कि हम तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, तुम्हारे को वाईफाई नहीं ऑन करने देंगे, तुम्हें बोलेंगे तुम कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें मतलब कीप इन माइंड यार, ये सब स्कैम है। और एक चीज और है यहाँ पे, जैसे हमारा जो बैंक अकाउंट वगैरह होते हैं इंडिया में तो थोड़ी सिक्योरिटी होती है, हम कहीं भी जाते हैं पिन वगैरह मांगते हैं, यहाँ पे तो अगर आप एक बार डिटेल्स भी कार्ड की डिटेल्स किसी से शेयर मत करना, किसी को डिटेल्स भी दे देते हैं ना तो डायरेक्टली उससे हम पैसे निकाल सकते हैं, कोई यहाँ पे पिन का कोई चक्कर नहीं है। हाँ। यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी उस मामले में थोड़ी कम है, इंडिया यहाँ पे स्वाइप होता है और खत्म, वाईफाई यहाँ पे कार्ड पैसे खत्म। लेकिन उसमें ये है कि आप 50 pounds से ज्यादा, जो यहाँ पे टैप एंड पे ज्यादा चलता है, लोग स्वाइप नहीं करते हैं, तो उसमें आप 50 pounds से ज्यादा टैप एंड पे नहीं कर सकते, वो हर जगह का अलग होता है। जैसे मैं जब पोलैंड में था तो वहाँ पे 50 zlotys था और यहाँ पे शायद 45 है, कभी मैंने ऐसा चेक नहीं किया, मगर एक फिक्स क्वांटिटी होती है कि आप उससे ऊपर पे नहीं कर सकते यार, वो घबराना नहीं है तुमने, सबसे पहली बात है यार। और जैसे कहीं यहाँ पे आ रहे हो अगर, और वो डायरेक्टली पैसे मांगेंगे तुमसे फोन पे कि आपको £250 अभी पे करना है, पहली बात अगर तुम्हें पे करना है तुम्हारे से कार्ड, अगर तुम्हारे साथ ये हो गया तो तुम्हें पहली बात गवर्नमेंट लेटर भेजती है, सबसे पहले गवर्नमेंट लेटर बोलेगी भेजेगी, या तुम्हारे को रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल करेगी, या फिर ऑफिसर आएगा खुद तुम्हें लेकर जाएगा, ये तीन चीजें रखना, और इसके अलावा कोई यहाँ पे नहीं, ऑफिसर आके लेके जाएगा या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक इनविटेशन आता है ऑफिशियल कि अगर आपको जैसे मान लीजिए पुलिस स्टेशन में भी जाना है, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो एक इनविटेशन आएगा कि आपको इस डेट को इस टाइम पे अपॉइंटमेंट वगैरह, काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट आप कह सकते हो, तो वैसा एक इनविटेशन आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सीधे कॉल आएगा और वो आपको बोलेंगे कि नहीं अभी पैसे पे करो और अभी पैसे पे करो। अभी जैसे इसके साथ क्या हुआ था कि इसको उसने बोला था, जो स्कैमर था उसने इसको बोला था कि आप हमें Amazon गिफ्ट कार्ड भेजो, कमऑन यार Amazon गिफ्ट कार्ड, मतलब एक यूके ब्रिटिश गवर्नमेंट आपसे Amazon गिफ्ट कमऑन, ये तो मतलब एकदम ही मतलब कोई भी हो वो समझ जाएगा कि यार Amazon गिफ्ट कार्ड ये क्या है। बट यार वो न्यूबीज थे इस चीज में याद रखना, अगर उन्होंने तुम्हें लिंक भेजा और तुम्हें उसने बोला तभी हमें समझ आया कि कोई भी ऐसे वैसे लिंक पे क्लिक भी नहीं करना। हाँ, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम अपने ऑफिशियल स्टेप्स लो, तुम जाओ लोगों को फॉलो करो, उनसे पूछो। हाँ। और उसके बाद तुम कोई और जैसे कोई भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो आप कोई रिलेटिव वगैरह है तो उससे थोड़ी नॉलेज लेके आओ, नहीं तो कोई जैसे मेरे को ही कॉन्टैक्ट कर लो, नीचे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना, नहीं तो आसपास कोई रहता हो तो किसी से मतलब किसी को नॉलेज हो, एजेंट वगैरह हो तो सबसे पूरा कन्फर्म करके आना कि कैसे पैसा खर्च करना है कैसे करना है, तो सब चीज का इंडिया से ही करके आना ताकि यहाँ पे आके आपको स्ट्रगल ज्यादा ना करना पड़े। अब तो टेक्नोलॉजी हाई हो गई है, सब वहीं से हो क्या रहता है। भाई लोग मैं तो ये बोलूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जहां से भी देख रहे हैं इंडिया में, इस बंदे को कांटेक्ट करो, ठीक है, इससे बात करो। मेरे को नहीं लगता कि एजेंट ज्यादा हेल्प करते हैं इन चीजों में, क्योंकि एजेंट्स का क्या रहता है ना, उनको यूनिवर्सिटी से पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो वो बस आपको भेजना चाहते हैं, तो भेजेंगे उनको, और लालच तो रहेगा ना कि यूनिवर्सिटी तक वो एक साल तक जब तक टिक नहीं जाते ना तब तक उनको पैसा नहीं मिलता,
एजेंट्स को तो ठीक है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इस बंदे से बात करो, इसको बहुत नॉलेज है, इवन दो ये भी नया है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी इसकी इसके पास जो नॉलेज है वो शायद मेरे पास भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं है, मैं यूरोप में पिछले 4-5 साल से रह रहा हूँ और मुझे लगता है मेरे को इतना नहीं पता जितना इसको पता है। सो प्लीज गाइस कॉन्टेक्ट हिम एंड ही विल हेल्प यू फॉर श्योर। ओके थैंक यू गाइस, तो अच्छे से मतलब देख वेख के आना, अच्छे से सब सब हो जाएगा, टेंशन मत लेना। यस गाइस बी सेफ और थोड़ा देख के ये सब चीजों को करना, क्योंकि तुम जब बाहर आते हो ना तो बस ये समझ लो कि यार घबराना नहीं है, बस तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हें भी कुछ कोई भी दिक्कत हो ना तुम्हें घबराना नहीं है, एक्शंस नहीं लेने, पैसे नहीं भेजने, कुछ नहीं करना, कीप इन माइंड, ठीक है। बाकी ओके, ऑल द बेस्ट यार, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।